नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। आज राजधानी भोपाल में गौसेवक मैत्री संघ द्वारा शाहजानी पार्क में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गौसेवक मैत्री कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश धौलपुर ने कहा कि सरकार ने आज तक हमारे लिए कोई भी सहयोग नहीं किया, जबकि हम मध्य प्रदेश में गौ सेवा करते आ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करते हैं कि हमारी मांगों को शीघ्र पूरा करें। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा सन 1997 से आज तक मध्य प्रदेश की लगभग सभी ग्राम पंचायत में पशुपालन द्वारा प्रशिक्षित मैत्री कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रभारी कहना चाहिए, वो आए, उनके हाथ में हमने अपना एक आवेदन दिया, हमने विधायक महोदय का आवेदन दिया, सांसद महोदय का आवेदन दिया, पूरी करो, पूरी करो, अंग्रेजी किया गया, हमारा कोई हमारी नहीं सुनी। हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हमको पैसा चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। राजेश धौलपुर, प्रदेश अध्यक्ष गौ सेवक मैत्री संघ। अच्छा, किन किन मांगों के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं भोपाल में? हमारी जो मांग है कि इस माननीय सिकरा शिवराज सिंह चौहान जी सभी की महापंचायत बुला रहे हैं, तो हमें भी महापंचायत बुलाकर हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। हमारी मांग है गौ सेवक जो फील्ड में काम कर रहा है, विभाग का निरंतर काम कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं एक नियमित मानदेय दिया जाए। विभाग में जो रिक्त पड़े हैं जितने भी फोर्थ क्लास के पद, उनमें गौ सेवक को लिया जाए, यही हमारी मांग है। और इसी को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश से गौ सेवक आए हैं, और अगर दो दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को निराकरण नहीं करते हैं तो 2023 का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं नुकसान। मध्य प्रदेश में कितने गौ सेवक हैं? 23,000 गौ सेवक, 9,000 मैत्री है और 3,000 के लगभग पशु सखी है। तो अभी शासन से आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है? शासन से हमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि शासन का विभाग का जितना भी जो काम होता है, शासकीय टीकाकरण, बधियाकरण, प्राथमिक उपचार और अन्य उपचार भी डॉक्टर और AVFO के माध्यम से हम लोग करते हैं, परंतु उसका जो बजट आता है, मतलब जो पैसा लेते हैं, वो किसान से लेते हैं। अगर सरकार किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है तो हमारा घर परिवार चलाने के लिए हम किसानों से ही पैसा लेंगे। हमें आर्थिक मदद मिलेगी तो कहीं ना कहीं किसानों पर भी बोझ बहुत कम पड़ेगा। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।